हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग जो होने वाली है निड इरेजर की। निड इरेजर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है। अगर आपको ये ऑर्डर करने तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वे प्रोडक्ट में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ 500 सब्सक्राइबर के, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। तो ये आपके सामने है नीडल इरेजर, ये है 1 2 3 4। तो ये मैंने 4 नीडल इरेजर मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, ये तो आपको पता ही है। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। पहले मैं इस एक नीडल इरेजर को बाहर निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी ये कैसा है और कैसे यूज़ करते हैं इसको और इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी आपको आगे बताता हूँ। तो गाइज ये है आपके सामने नीडल इरेजर। तो इसके बेनिफिट में आगे आपको बताने वाला हूँ। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। पहली बार ये हाथ में बहुत चिपकता है, उसके बाद एक दो बार इसको यूज़ करने के बाद ये हाथ पे नहीं चिपकेगा, इसकी चिकनाहट कम हो जाएगी। तो आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये यूज़ करने में कैसे है। वैसे हाथ में तो बहुत आना ही लग रहा है, तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो इसे यूज़ करके दिखाने के लिए मुझे लगेगा एक पेपर और एक पेंसिल। पेंसिल के जगह मैं लेने वाला हूँ लेड पेंसिल, या फिर उसको बोल सकते हैं मैकेनिकल पेंसिल। इससे सबसे पहले हम इसको शेड कर लेते हैं और उसके बाद उसको ब्लेंड करके आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइस हमने इसको शेड तो कर लिया है, तो अभी इसको ब्लेंड करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर और एक लेड आने वाली है। तो इसके लिए हमको इसको ब्लेंड करना पड़ेगा और बाद में और एक लेयर ऐड करनी पड़ेगी। तो गाइस हमने सेकेंड लेयर भी अप्लाई कर दी है, तो अभी इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसको यूज़ करने के लिए मैंने इसकी निब छोटी कर दी है। इसको आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से इरेज हो रहा है। अगर इसके अलावा हमारे पास अप्सरा का या फिर कौन सा भी इरेजर होता तो उसकी सिर्फ जो शार्प पॉइंट होते हैं उससे हम हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन इससे आप इसकी निब छोटी करके पतली करके हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है और ये डस्ट प्रूफ भी होता है, तो इससे झिकझिक तो हमारी कम होगी। अगर डस्ट होने के बाद हम उसे हाथ से हटाते हैं तो वो हमारी पूरी स्केच ही गंदी हो जाती है, इसका ये बेनिफिट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने 4 नीडल इरेजर मंगवाए थे, उसमें से मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। मतलब अगर ये ख़राब हो जाए या फिर कुछ भी इसके साथ हो जाए तो बाकी बैकअप में मैंने 3 रखे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।